है तो दैत्य कुल, लेकिन विभीषण भगवान का अनन्य भक्त है। तीसरे बार भगवान का अनन्य सखा बन करके द्वापर में उद्धव जी महाराज बन करके आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव जी जो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं, ठीक है। आइए दो बार बड़े भाव से भगवान का नाम लीजिए, फिर जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रह्लाद चरित्र बता दूं। गाइए मेरे साथ सब मिलकर के। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। Hey, go, 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 hey,
कृष्ण गोविंद श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह बनकर के किए तो हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया। ठीक है, सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो काश्यप वरदो मनुप्राप्तो प्रियतामिप्सितो वर यदि दास्यास्य विमता वशान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वदिश्रेष्ठेभ्यो मृत्योर्मा भून् मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिर्वानत मन्यस्मादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरेर्नामृगेरपि। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो तुम्हें क्या दे दूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी अगर आप हमारे तप से बहुत खुश हैं तो हमें बस एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम मरना नहीं चाहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं? हम मरना नहीं चाहते, हमको हमेशा हमेशा के जिंदा रख दो। और जो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं बड़ी मतलब की बात है। क्या? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप तुम्हारा जन्म हुआ है, जन्म, ठीक है, फूल खिला है, किसके लिए? मुरझाने के लिए। सूर्य उदय हुआ है तो किसके लिए? अस्त होने के लिए। सुख आया है किसके लिए? एक दिन दुख का मुंह देखने के लिए। जन्म हुआ है किसके लिए? मरने के लिए। अवतार थोड़ी ना हुआ है तुम्हारा। व्यक्ति को लगता है क्या, हार्ट अटैक से मर गए, कोरोना से मर गए, फलाने से मर गए, तो ढमका से मर गए। ब्रह्मा जी कह रहे ये सब बहाना है। क्या? हार्ट अटैक से मर गए, फलाने से मर गए, इससे मर गए, उससे मर गए। अरे इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? पैदा ही हुआ है किसके लिए? मरने के लिए। सीधी सी बात। अब आप इल्जाम किसी के सिर पर रख दो, टीकरा किसी पर छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक पर छोड़ दीजिए, चाहे किडनी फेल पर छोड़ दीजिए, तो जिम्मेदारी आपकी, आपकी कुछ भी बोलो। सत्य तो ये नहीं है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, पैदा ही क्यों हुए? मरने के लिए है। सीधी सी बात। हर चीज का अंत निश्चित है। आप जितने लोग कथा में बैठे हैं, घर हमने बनाया है, बनाया है ना, किसके लिए? एक दिन टूटेगा। कितना दिन संभालिएगा? टूटेगा। जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी खत्म होता जाता है।
एक बात बताऊं क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक दिन हमको मरना पड़ता है, तुम सोच लो बस आगे पीछे माते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम खुद एक दिन जब प्रलय हो जाएगा तो भगवान के मुख के द्वारा हम भगवान के उदर में चले जाते हैं। सारी सृष्टि प्रलय में चली जाती है, मैं भी चला जाता हूं। ध्यान देना कथा था। हाँ तुम और कुछ मांग लो, मैं दे सकता हूं। जो आया है उसको जाना, जो खिला है वो मुरझाएगा। सीधी सीधी ध्यान देना कथा में। पता है आपको, हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आप हमें ये वरदान नहीं दे सकते तो हम दूसरा वरदान मांग लेते हैं। क्या? न अंदर बहिर्विर्वाणत मन्यस्माद पिचायुधे न भूमो न अंबरे मृत्युर न नरे न मृगेरपि। एक नहीं एक दर्जन वरदान मांग रहे हैं। क्या क्या मांग रहे हैं? न अंतर बहिर, न अंदर मरू न बाहर मरू, न घर में मरू न घर के बाहर मरू। सीधी सीधी ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव है। न धरती पर मरू न आकाश में, ब्रह्मा जी ने कहा ये भी संभव है। कम शब्द में बहुत कुछ समझ जाइए। क्या हिरण्यकश्यपु को लग रहा था मैं बचने का उपाय कर रहा हूं, दादाजी उसको लग रहा था मैं बचने का उपाय कर रहा हूं। ब्रह्मा जी को हंसी आ रही है क्या, ये बचने का उपाय नहीं कर रहा है, फिर अपना मौत का वसीयत खुद लिख रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हम घर में नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो बाहर भी नहीं मरेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो ना घर में मरो ना घर के बाहर मरो, बीच में मरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ब्रह्मा जी के सामने किसी का चलेगा? दादाजी हमारी आपका एक सिर, अब ब्रह्मा जी का कितनी है? चार। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में हमारी बुद्धि में अंतर नहीं है। माते जितनी माता लोग कथा में बैठी ध्यान से सुनो, सुन लीजिए। क्या दादा, हम किसी के घर में थे तो सुबह सुबह झगड़ा हो गया सास और कन्या में। सुन लीजिए ध्यान से सुनो। तो हमने उसको बुलाया सास को, हमने कहा दादी क्या हो गया? बोले पंडित जी पता नहीं कहां से ऐसे कन्या आ गई, 8 बजे तक सोती है, घर का काम कुछ करती नहीं है। महाराज जी घर की महिला है, कम से कम 6 बजे उठ करके नहा धोकर के पूजा पाठ करना चाहिए। अब बेटा से शिकायत करते हैं तो बेटा बुरा मान जाता है, इसको कैसे सुधारा जाए? हम का एक उपाय बताते हैं, करके देख लेना, अगर सुधर जाए तो ठीक है। हमने मंत्र बता दिया दादा, सुन लीजिएगा मंत्र। तो हम ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे, पता क्या हुआ? क्या हमने कहा सुबेरे उठो, रोज कन्या से झगड़ा होता है ना, कल सुबेरे उठ करके बेटा से तुम झगड़ा कर लेना। झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का? बेटा कह रही है माँ तुम झाड़ू छोड़ दो, हम लगा लेते हैं। तो माँ ने कहा अरे तू हमारा बेटा है, हमारा रहते तुम क्यों झाड़ू लगाओगे, हम लगा लेंगे। बेटा बोले नहीं हम लगाएंगे, माँ कह रही नहीं हम लगाएंगे, इसी में झगड़ा हो गया। हमने मन में सोचा कम से कम नई कन्या है तो आकर के बोले भी छोड़ो ना, तुम लगाओ ना हम लगाओ, हम लगा देते हैं। दादा हो दादा माते, इतनी पढ़ी लिखी कन्या थी, आकर के डांट करके दोनों को डांट करके बोले क्या हल्ला मचा के रखे जी, क्या चाहते हैं आपको झाड़ू लगाना है? मम्मी जी आपको झाड़ू लगाना है, दो दो झाड़ू तो हैं, एक बाहर लगा लो एक अंदर लगा लो। सुने नहीं दे, झाड़ू लगाने का शौक है ना तो अपने पति से बोले तुम बाहर झाड़ू लगाओ, मम्मी अंदर लगा लेगी।
हम घर के अंदर आकर के मन मन में सोचा, हे भगवान, माते हमारी बुद्धि से बहुत आगे ब्रह्मा जी बैठे हैं। हिरण्यकश्यप ये लग रहा था वो बचने का उपाय कर रहा है, बचने का उपाय नहीं है, फिर अपना मौत का वसीयत खुद लिख रहा है। दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मतलब गोधूली वेला में हम मर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने वसीयत में लिखा गोधूली वेला में। फिर उसने क्या कहा, अंदर नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चौखट पर, गोधूली वेला में चौखट पर। फिर क्या कह रहा है, न हम इंसान से मरेंगे न जानवर से। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, आधा नर आधा सिंह, आसमान में नहीं मरेंगे, धरती पर नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, गोद में, गोद में। अब गोद नीचे तो नहीं है, माता लोग जल्दी समझ, माते आपके गोद में बच्चा तो आप कहेंगे बेटा थोड़ा नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे। ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा अस्त्र, नाखून से मरोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा जी ने वसीयत तैयार की, लेकिन भगवान ने खेल कहां से शुरू किया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इसी परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। क्या नाम है इस बेटा का, प्रहलाद जी। क्या नाम है, प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी के बारे में जो सुखदेव जी कह रहे हैं वो गजब की चीज कह रहे हैं। क्या है प्रहलाद जी, ब्रह्मण्याशील संपन्न सत्य संदो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम गुणेरलं संख्ययेर् महात्म्यम् तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकीरती। अगर प्रहलाद जी का गुण हम गिनवाने लग जाएं तो सुखदेव जी कह रहे हैं बहुत समय लग जाएगा। एक चीज से समझ लीजिए, क्या प्रहलाद जी के दिल में भगवान की बड़ी सुंदर भक्ति है, और भक्ति जिसके हृदय में है परीक्षित, फिर कोई गुण हो ना हो, क्यों, भक्ति सारे गुणों की खान है। अगर हृदय में भक्ति आ गई और किसी गुण को बुलाने की जरूरत नहीं है। दादा भक्ति क्या है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। अगर परमात्मा की भक्ति दिल में आ गई तो फिर कोई गुण हो ना हो बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद आएंगे सारा गुण। भक्ति गुणों की खान है। और भगवान राम जी क्या कह रहे हैं, कर रघुपति सुनो भामिनी बाता, 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 मान एक भगत कर नाता, मान एक भगत कर नाता, मान एक भगत कर नाता, मान एक भगत कर नाता। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल
कहो सुदशरथ अजय करे माता मान कर भक्ति करना। भगवान राम जी भी कह रहे हैं शबरी हमारे तुम्हारे बीच में पता है क्या है, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। शबरी माता बोली आप हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ कौन सा रिश्ता है? मानव एक भगति कर नाता। मैं तुम्हारे कुटिया में पता क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति 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 स्वतंत्र सकल गुण खाना। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं और वही चीज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित तुम्हारे अंदर कोई गुण हो ना हो वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। अगर परमात्मा की भक्ति है तो और कोई गुण को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भक्ति गुण की खान। ध्यान से सुनिएगा नतीजा क्या हुआ। दादी हाय भगवान प्रहलाद जी को ले जा करके विद्यालय में भर्ती कराया और प्रहलाद जी विद्यालय में सीखने के लिए गए थे। बोले फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं बच्चों को तुम हमसे सीख लो। क्या मुग्धस्य बालको मारे क्रीडतो याति विंशति जराया ग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरम् भावम् मुञ्च यया तुष्यत अधोक्षज। प्रहलाद जी अपने बच्चों से कह रहे हैं छोटे छोटे सखाओं से कह रहे हैं खुद तो छोटे हैं ही हैं। अच्छा ये बताओ कितने साल की आयु है? तो बोले 100 साल की आयु। दादा इससे ज्यादा तो कोई हम कुलवारा में है ही नहीं जिसने सेंचुरी पार किया। होंगे तो एक दो होंगे। 100 साल की आयु में 50 साल तो सोते सोते निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल क्यों? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो 100 साल की आयु में 50 साल का दिन और 50 साल की रात। माते हम आपको क्या करते हैं? यानी कि उम्र का आधा हिस्सा कहां चला गया? सोते। अच्छा दूसरी बात पूछूं बचपन में मां के साथ सोए। हाँ 50 साल तो सोए ही नहीं बचपन में। बोले मां के साथ जवानी में हे भगवान पत्नी के साथ। प्रहलाद जी कह रहे हैं अब बुढ़ापे में। बोले बीमारी के साथ ओ खोकी आ रही अपना तो जगे पूरे घर के लोगों को जगा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल बुरा मत मानिएगा। क्या बुढ़ापे में बीमारी के साथ कौमारी पत्नी के साथ बचपन मां के साथ अब बचा क्या? अब तो चिता में लेटने की बारी आई। भजन कब करोगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं अब भजन कब करोगे? और सुनो क्या एक नारायण की भक्ति के अलावा दुनिया में कुछ है भी नहीं करने लायक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी अपने बाप को नौ प्रकार की भक्ति सिखा रहे हैं। अपने पिताजी से कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी नौ में से कोई भी एक भक्ति तुम कर लो तो भगवत प्राप्ति सरल है। प्रहलाद जी को बुलाया, इधर आओ, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? प्रहलाद जी बोले, विद्यालय में गुरु जी ने सिखाया। प्रहलाद जी के गुरु जी कौन है? तो बोले शंड और अमरक। स्कूल में मास्टर लोग पढ़ाते थे शंड और अमरक, उनका नाम था। हिरण्यकश्यप ने कहा, खड़े हो जाओ यहाँ, तुमको पता नहीं है क्या? जो नारायण का नाम लेगा वो मेरा दुश्मन है, उसको मृत्यु की दंड मिलता है। और मैंने तुम्हें तनख्वाह देकर के इसलिए रखा कि तुम नारायण की भक्ति सिखाओ। शंड अमर को बोले, हमने तो कुछ नहीं सिखाया। बोले, तो क्या मेरा बेटा झूठ बोलता है? तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? शंड और अमर ने कहा, प्रहलाद, तलवार गर्दन पे लगी है बेटे, मजाक की सीमा होती है, मजाक की सीमा होती है, हमने तुम्हें कब सिखाया नारायण की भक्ति? हिरण्यकश्यप ने कहा, तो 5 साल का बच्चा पेट में से सीखे आ गया। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले, बाबूजी आपने सत्य कहा, क्या ये गुरुजी थोड़ी ने सिखाए हैं? ये गुरुजी ने नहीं सिखाया है, फिर और हमारे गुरुजी हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, और कोई अध्यापक है क्या स्कूल में? बोले, नहीं है। तो फिर ये फिर झूठ बोल रहे हैं? प्रहलाद जी बोले, बाबूजी आप झूठे इनको डांट रहे हैं, ये नहीं। फिर जिनके हाथ में करताल है, जिनके हाथ में वीणा है, लंबी सी चोटी है, समझ में आया? कौन? नारद बाबा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी हमारे गुरु जी हैं। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा, हे भगवान, घर फोड़वा हमारे घर में आ गया होगा, कोई काम नहीं है इसके जिम्मे। बेटा इधर आ, देखो ये साधु बाबा के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? दुनिया में एक भगवान है, कौन? वो हम हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप भगवान हैं? हाँ। ये बताइए, मेरे पिता कौन हैं? प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हारा बाप? मैं। अच्छा अच्छा, आपके बाप कौन है? हिरण्यकश्यप ने कहा, हमारा बाप कश्यप। अच्छा अच्छा, कश्यप के बाप कौन है? कश्यप के बाप ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का बाप कौन है? हिरण्यकश्यप बोले, ये तो बात हमने सोची नहीं, मरना आपको पक्का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जिसका नाम है उसे सख्त नफरत हिरण्यकश्यप को है। किसका नाम है आगे उसका? नारायण। अब अगर धोखे में भी नारायण बोल लेते तो सभा में हलचल मच जाती, क्योंकि नारायण बोला नहीं, हिरण्यकश्यप तलवार निकालता है। वो सबका बाप है। अब कोई पूछे, नारायण का बाप कौन है? वो सबके बाप है, वो परम पुरुष है, वो आदि पुरुष है। ध्यान से सुनिएगा एक बात, आप सबसे पूछो, जितनी मेरी बेटियां कथा में बैठी हैं, बेटा लोग कथा में बैठे हैं, प्रहलाद जी का बुआ का नाम क्या है? अरे बोलो, खाया नहीं कुछ, आवाज है नहीं, क्या नाम है? होलिका है ना। अच्छा, आप जितने लोग बैठे बताओ, होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी, नीचे से आग जला दिया, तो जल कौन गए? प्रहलाद की होलिका, होलिका जल गए। ठीक ठीक, दूसरा प्रश्न पूछो। ठीक ठीक, प्रहलाद जी को ना दादा हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने के षड्यंत्र किया, तो क्या प्रहलाद जी कुचल गए? ना। आखिर प्रहलाद जी को बचा कौन रहा था?
बोलो भगवान। नहीं भगवान तो खंभ फाड़ के आए थे ना, बचाया कौन? भगवान तो वहां थे नहीं, भगवान तो तब आए जब प्रहलाद जी को वो ऊपर गुस्सा करके हिरण्यकश्यप ने मारा, खड़ग उठा करके खंभ पर, तो उसमें से भगवान आए। तब तक कौन बचा रहा था? अच्छा एक चीज पूछो, ठीक ठीक, आप जितने लोग कथा में बैठे, ये प्रश्न आप सब से है। सबसे पहला नाम, जितने भी भैया लोग पीछे तक बैठे हैं, तीन नाम बता देता हूं,